हाय गाइज, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं टाटा पंच एडवेंचर रिदम CNG मॉडल आपको दिखाने वाले हैं। उसके बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। है टाटा पंच एडवेंचर रिदम, इसका CNG मॉडल, और मतलब CNG में भी आप इसको कर सकते हैं। और फर्स्ट अगर हम इसका देखें फ्रंट रो, तो फ्रंट जो साइड है इसका, फ्रंट साइड की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलता है। सबसे पहले इसमें आफ्टर मार्केट भी बहुत सारे काम हुए हैं, वो आपको बताते रहेंगे। बट जो बेस आप लेते हो, मतलब जो कंपनी से जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आपका होता है पार्किंग बल्ब, इंडिकेटर और हेडलाइट। हेडलाइट जो होती है वो हैलोजन बेस्ड होती है, और इस मॉडल पे आपको फॉग लाइट जो है, फॉग लैंप नहीं मिलता है। बट आफ्टर मार्केट यहाँ पर ये काम करवाया गया है, तो फॉग लैंप आपको यहाँ पर दिखेगा। और इस तरह से स्किड भी जो है, ये आफ्टर मार्केट काम हुआ है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह कटआउट आपको मिल जाता है, और यहाँ पर इसके पीछे जो है हॉर्न की प्लेसिंग है। अगर ये है इसका पूरा फ्रंट रो, फ्रंट वाला साइड, अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी साइड की, तो आ जाइए यहाँ पे, साइड आपको इस तरीके से ये मिलने वाला है। इसमें अगर हम बात करें इसके सबसे पहले व्हील्स की, तो आपको 15 इंच का स्टील रिम मिलता है अपने ब्लैक कलर के व्हील कवर के साथ। इस तरीके का 15 इंच का मिलता है इसका, और ये आपको मिलता है पूरा व्हील आर्च, पूरा व्हील आर्च। और ये आपको ये क्लाइडिंग मिलती है, और ये आपका जो है मिरर है, जिसमें ये आपको बॉडी कलर ही आपको मिलेगा जो मिरर होगा। इसको आप जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोल्ड जो आपको करना पड़ेगा वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये आपका इसका साइड मिरर है। इसका जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है, वो हम आपको बता देंगे कितना ग्राउंड क्लियरेंस है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट आपको ग्राउंड क्लियरेंस का दिखा देंगे। इस तरीके से ये पूरी क्लाइडिंग आपको मिलती है, और ये डोर हैंडल मिलते हैं जो कि बॉडी कलर ही होते हैं। और ये इसका अगर हम बात करें ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर की, तो आपको ये ए पिलर इस तरीके का मिलता है। बी पिलर जो होता है इसका, वो ब्लैकड आउट आपको मिलता है। और जो इसका सी पिलर होता है, वहीं पे आपके ये जो ओपन करने के डोर हैंडल्स होते हैं, वो माउंटेड होते हैं। और इसमें रूफ रेल नहीं आता है, बट ये रूफ रेल जो है आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए गए हैं। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं इसके रियर साइड पे। रियर साइड की अगर हम बात करें, तो वैसे इसमें आपको, जैसे मैंने बताया, रूफ रेल नहीं आता है, बट रूफ रेल जो है वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया गया है। नहीं तो आपको इस तरह से एंटीना मिलता है जिसको आप फोल्ड कर सकते हो। और ये जो है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, और जो ये रियर की विंड स्क्रीन होती है बिल्कुल प्लेन होती है। इस पर आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर कुछ नहीं मिलता है, बट आफ्टर मार्केट स्पॉइलर ये सारे काम करवाए गए हैं, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। बेस मॉडल पर आपको ये नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करें ये कैमरा और लोगो और पंच की बैजिंग, ICNG, जैसे मैंने आपको बताया CNG का मॉडल है, तो CNG की बैजिंग मिल जाती है। ये सारे काम भी जो है आफ्टर मार्केट करवाए गए हैं। बट जो टेल लाइट का है, वो सेटअप देख लीजिए, हैलोजन बेस्ड आपको मिलेगा। पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगे, ये किट जो है ये भी आफ्टर मार्केट लगवाई गई है। तो पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, कैमरा आपको मिल जाता है, टाटा का लोगो, टेल लाइट जैसे मैं आपको दिखाई। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। रियर साइड का हमने आपको सब बता दिया था, अब हम इसके बूट स्पेस की बात करते हैं। तो जैसे कि ये CNG मॉडल है, ट्विन्स आपको सिलेंडर की प्लेसिंग यहाँ पे मिलेगी, और ये पार्सल ट्रे आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको 1 किलो का टोइंग हुक भी मिलेगा, और इसमें लाइट भी आपको मिलती है। और ये है सिलेंडर जो मैंने आपको बताए। और वैसे अगर बात करें, तो आपको कम से कम 210 लीटर का बूट स्पेस में मिल जाता है। तो ये है इससे पूरा बूट स्पेस, ये देख लीजिए आप, ट्विन सिलेंडर प्लेसिंग। ये तो हो गई हमारे इसके रियर साइड की बात और बूट स्पेस की बात। अब आपको लेके चलते हैं इसके इंटीरियर पे, और इंटीरियर का बताते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। इस तरह की आपको एक नॉर्मल की भी है, और एक रिमोट की है जिसमें फॉलो, अनफॉलो और फॉलो मी का ऑप्शन है। तो ये इस तरह की इसकी की आपको मिलती है। अब आपको हम इसके लेके चलते हैं इंटीरियर में, पहले दिखाते हैं। सबसे पहले जो ड्राइवर साइड का डोर पैनल है, वो आपको दिखाते हैं। ये हैंडल है जो कि बॉडी कलर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये है, इस तरीके से आपको पूरा ब्लैक मिलता है, ब्लैक और थोड़ा ग्रीनिश टाइप का आपको पूरा ये अंदर का डुअल टोन में इंटीरियर मिल जाता है। तो जैसे बात करें, सबसे पहले जो ये डोर हैंडल है, वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ऐसे मिलता है।
और ये आपका जो आउटसाइड रियर मिरर होता है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो आप, बट आपको फोल्ड, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फोल्ड आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये चारों विंडो के चारों पावर विंडो हैं और ये विंडो को अनलॉक करने के लिए लॉक करने के लिए है। और ये इस तरीके का देखिए, मुझे पता है प्लास्टिक का ग्रीनिश टाइप का आपको मिलता है और ये पूरा ब्लैक में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्पेसेस और ऐसे थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस भी आपको इसमें मिलता है। और ये आपकी स्पीकर की प्लेसिंग होती है। ट्विटर की प्लेसिंग भी आपको दिखा देते हैं, ट्विटर यहाँ से अंदर से ट्विटर की प्लेसिंग भी है। अब आपको हम बताते हैं अंदर इंटीरियर में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीट का बता देते हैं कि ये आपको फैब्रिक सीट मिलती है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है ब्लैक इंसर्ट के साथ। इस तरीके से जो हेडरेस्ट होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, सीट रिक्लाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको सीट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये पूरी सीट है और इसमें यहीं पे प्लेसिंग है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्यूशर की यहाँ प्लेसिंग भी है ड्राइवर साइड में। अब हम बैठते हैं इसमें और आपको बताते हैं थाई सपोर्ट। लेग रूम जो है, मेरे हिसाब से जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा खासा है जो ड्राइवर का है। और तीनों पैडल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, डेड पैडल भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब अंदर का जो इंटीरियर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बंद कर देते हैं और आपको लेकर चलते हैं अंदर इंटीरियर पे। आपको जैसे कि हम बताते हैं इंटीरियर में स्टीयरिंग है ये जो डी कट शेप में है और टिल्ट एडजस्ट के साथ आता है। यहीं पे आपका जो है ऑडियो का और कॉलिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो माउंटेड हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा वाइपर के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको मिलेंगे हेडलाइट के कंट्रोल्स। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल्ली डिजिटल है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलेगा, ओडोमीटर मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा और आपको सीएनजी और पेट्रोल का जो मतलब फ्यूल कितना है ये सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वार्निंग का साइन, ये टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ मिल जाती है। ये आपको आप स्टीयरिंग हमने दिखा दिया, पैडल्स आपको दिखा दिए। बीच में अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट की तो 7 इंच का हरमन का आता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ। ये एसी के वेंट हैं जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। सेंटर में आपको ये हैजार्ड बटन मिल जाता है और ये जो आपको मैंने बताया कि ये ग्रीनिश टाइप का आपको ये डैशबोर्ड मिलता है डुअल टोन के साथ। ये मैनुअली एसी कंट्रोल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट और ये थोड़ा सा स्पेस आपको मिलता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आप देख रहे हैं गियर बॉक्स। उसके बाद ये देखिए, ये भी पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है इस तरीके से। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है और ये आपको मिलता है क्रोम टिप के साथ पार्किंग ब्रेक। और ये जो सीट है इसका मैं बता दूं आपको, ये इस तरीके का जो पूरा स्पेस है मतलब आपको वो अच्छा खासा मिल जाता है। मेरे हाइट के हिसाब से तो ये फिलहाल बढ़िया गाड़ी, मतलब स्पेस के मामले में ठीक है गाड़ी। और ये देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें जो ड्राइवर साइड में जो सनवाइज़र है उसमें आपको टिकट होल्डर मिलेगा और ये आपको यहाँ पे माइक की प्लेसिंग मिलेगी। लाइट्स भी मिलती है आपको यहाँ पे, हेलोजन में लाइट मिलती है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो को ड्राइवर के साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है सनवाइज़र में। और इस तरीके से अब यहाँ पे अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स का स्पेस ये देखें ठीक ठाक है यहाँ पे, तो अच्छा खासा ठीक है यहाँ पे ग्लव बॉक्स का जो स्पेस है। और इस तरीके से आपको एसी वेंट यहाँ पे मिल जाते हैं पियानो ब्लैक की फिनिश के साथ। और ये ट्विटर की आपको प्लेसिंग मैंने दिखा दी, 4 स्पीकर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। ये तो था जो सामने वाली सीट में कैसा आपको लेग रूम ये सब मिलता है। अब हम पीछे वाली सीट में जाते हैं, बताते हैं आपको कि वहाँ पीछे वाली सीट में क्या क्या आपको दिया गया है। और ये डोर हैंडल भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पीछे वाली सीट पे। यहाँ पे भी आपको डोर पैनल जो हम दिखा रहे हैं वो वैसी है, पूरा ब्लैक है बट ये हल्का सा ग्रीनिश आपको मिलता है। और यही आपको जो डोर हैंडल है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। और बात करें यहाँ की सीट्स की, अगर हम बात करते हैं तो सीट आपको कुछ ऐसी मिलती है, इसमें एडजस्टेबल नहीं होता है, ये फिक्स्ड होती हैं और बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। इस तरीके से आपको पूरी सीट मिलती है, 3 बंदे ठीक ठाक बैठ सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है बीच में। और अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊँ कि लेग रूम कितना है तो ये भी आपको दिखा दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लेग रूम जो है सही है और इस तरह से हेड का भी जो रूम है ये भी सही है लग रहा है मेरे को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना सामान रख सकते हैं। तो ये पीछे की सीट का आप देख लीजिए कि जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया है। और ये आपको फिक्स्ड इस तरह से ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं इसमें।
अभी हमने देखी जिससे स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका जो इंजन का जो साउंड है वो अभी नहीं है जबकि खुला हुआ है। जब ये बंद हो जाएगा तो बिल्कुल भी इसमें जो है इंजन का साउंड नहीं आता है। तो बात करें इंजन की ही, इंजन की बात कर लेते हैं, तो 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन है। और अगर सीएनजी मोड पे बात करें तो सीएनजी मोड पे जो ये पावर होती है वो 74 पीएस की पावर देती है और 103 एनएम का ये टॉर्क देती है। और आप देख लीजिए, हमने अभी इंजन चालू ही कर रखा है इसका, आपको दिखाने के लिए कि इसका जो साउंड है वो कैसा है। तो साउंड बिल्कुल भी नहीं है इसका, मतलब आराम से है, कुछ साउंड की नॉइस वॉइस आपको नहीं आएगी। तो ये आपको हमने इस एडवेंचर रिदम का पूरा ये बताया कि इसके अंदर फीचर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं। अभी ये गाड़ी नई नई है, इसका रिव्यू भी हम आपको आगे दिखाएंगे, आगे बताएंगे, वो वीडियो भी हम ज़रूर बताएंगे। बट फिलहाल अभी हमें आपको दिखाना था कि जो टाटा पंच की एडवेंचर रिदम है 2024 में, उसमें क्या क्या वो लेकर आई है। तो अभी इसमें मैंने आपको बताया कि आफ्टर मार्केट भी काफ़ी काम हुए हैं, नहीं तो इस सीएनजी में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है। सारे बहुत आफ्टर मार्केट जो काम हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते रहे हैं। उसके अलावा आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में भी हम आगे बताएंगे। टाटा पंच एडवेंचर रिदम के सीएनजी मॉडल की अगर हम बात करें तो इसका जो एक्सशोरूम है वो 8,30,000 है। ऑन रोड तो हर जगह डिफरेंट होता है थोड़ा, तो यहाँ पे जो ऑन रोड पड़ा है वो है 9.5 लाख तक का। और अब आपको दिखाते हैं इसमें सबसे पहले तो कि पहले जो आती थी उसमें एक ही सिलेंडर होता था सीएनजी का, अब जो है इसमें आपको अगर हम इसके रियर साइड पे लेके चलें तो इस तरीके से ट्विन सिलेंडर आपको मिलते हैं। तो उस वजह से जो स्पेस होता है आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 210 लीटर का इसमें बूट स्पेस आपको मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। नहीं तो पहले जब एक ही आता था तो उस वजह से जो स्पेस होता था वो थोड़ा कम हो जाता था। बट अब ये थोड़ा सा उन्होंने एक कहते हैं मॉडिफिकेशन, एक इम्प्रूवमेंट लाया है अपने टाटा ने अपनी गाड़ियों पर। उसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने अच्छी खासी एड ऑन करी हुई है जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से देखिए ये हैंडल, जिसको पकड़ के हम इसे ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है, बार बार इस पर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो कलर है वो फेड हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि टाटा ने अपनी गाड़ियों पे इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं और कस्टमर को कैसे रिझाएं अपनी गाड़ियाँ लेने के लिए, ये सब चीज़ें करते रहते हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो बेस है, जो इसका बेस है जो आपको कंपनी से प्रोवाइड होता है, उसको मैंने आपको बार बार बता ही दिया है कि वैसे फॉग लाइट या ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन इसमें आफ्टर मार्केट काफ़ी कुछ काम करवाया है। कम से कम 47-48 हज़ार का एक्सेसरीज जो है लगी हैं। तो जैसे रूफ रेल है वो आपको वैसे अगर आप लोगे तो नहीं मिलेगा, बट ये एड ऑन किया गया है आफ्टर मार्केट। उसके अलावा यहाँ पे फॉग लाइट भी जो है लगाई गई है, ना तो इसमें नहीं आता है बट आफ्टर मार्केट लगाया गया है। स्किड यहाँ पे लगाई गई है। तो इस तरीके के थोड़े मोटे छोटे मोटे काम जो हैं हम लोगों को गाड़ी खरीदने के बाद करने पड़ते हैं, तो ये सब करा हुआ है। तो आई होप आपको हमारा जो ये आज का वीडियो है टाटा पंच एडवेंचर रिदम सीएनजी मॉडल, जिसमें हाँ आपको एक बात और बताना मैं भूल गई थी, जब मैं ड्राइवर सेंट बैठी थी तो वहाँ पे आपका सीएनजी का भी था, जिससे कि आप सीएनजी मोड पे इसे कर सकते हो, पेट्रोल पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मैंने आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल तो हम करते हैं इस वीडियो को एंड और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।